एवरी वन वेलकम बैक एंड स्वागत है सभी का फिर से एक और नए क्लैश ऑफ क्लैन के एपिसोड में गाइज आई थिंक परसों वीडियो आई थिंक कल वीडियो बना नहीं पाया था एक्चुअली पाँव के हाल मेरे बहुत ख़राब थे रिसेंटली बैडमिंटन के बहुत सारे नए एक्सरसाइज शुरू किए मैंने जिसकी वजह से मेरे क्वाड्स जो है वो बहुत ही मतलब खस्ते हालत में है तो दर्द की वजह से बैठना उठना सब कुछ करना मुश्किल हो गया मेरे लिए बट उसको हम कंटिन्यू करेंगे ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम स्टॉप कर देंगे ना मैंने कहा था आपको लास्ट वीडियो में कि मैं आ, जो वॉर चल रहा था करंट वॉर उसके मैं हाईलाइट्स वगैरह शेयर करूँगा तो वो वॉर तो पूरा बीत ही गया अभी ये करंट वॉर चल रहा है तो इसका मैं फॉर श्योर शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर लास्ट वॉर की बात करूँ तो आई थिंक हम वो वॉर हार गए थे एक स्टार से मैं आपको वो दिखाता हूँ एक मिनट Uh, यहाँ पे क्या नहीं मैं भूल जाता हूँ कभी कभी कहाँ पे वो वॉर लॉग यस तो क्लासिक में अगर आप देखोगे तो वन स्टार से हम वो वॉर दो हम लीड पे थे डिस्ट्रक्शन में काफ़ी बट एक स्टार्स के वजह से हम वो वॉर हार गए अनफॉर्चुनेटली रहा मेरे लिए एंड हमारी स्ट्रीक चल रही थी थोड़ी सी छः सात वॉरस की एक दो तीन चार पाँच छः वॉर की तो वो हमारी टूट गई बट कोई बात नहीं नया स्ट्रीक पर हम काम करेंगे एंड uh, बस uh, शेयर करूँगा अपडेट्स ठीक है ना कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करें कि अभी क्या चल रहा है फिलहाल सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हम ओर्स इन्वेस्ट कर रहे थे और हमने हॉक पपेट को अपग्रेड किया था बट उसके बाद मैंने हॉक पपेट्स को और अपग्रेड किया अभी फिलहाल सेवनटीन लेवल पर हो चुके हैं बहुत जल्द मैं चाहता हूँ इसको मैक्स कर लूँ हॉक पपेट मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लच लग रहा है Uh, क्योंकि देखो ना एक तो नौ हॉग्स आपको मिल रहे हैं मतलब फोर्टी फाइव हाउसिंग स्पेस जो है वो आपकी मिल रही है देन uh, अगर मैं मैक्स कर लेता हूँ तो लेवल थर्टीन के हॉग्स मिलेंगे जो अभी लेवल इलेवन के हैं डेफिनेटली दो लेवल एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हेल्थ रिकवरी और हिट पॉइंट इंक्रीज इतना ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं है बस पचास और तीस का है बट दो लेवल जो हॉक्स के बढ़ जाएंगे वो एक बहुत बड़ा क्लच मोमेंट हो सकता है ना बाकी चीज़ें मैं बात करूँ तो इक्विपमेंट जैसे नया फायरबॉल मैंने लिया था इवेंट से उसको तो मैंने बिल्कुल अपग्रेड नहीं किया और ना ही मेरा कोई प्लान है अभी, अभी अपग्रेड करने का क्योंकि ओर्स जो है वो अभी कम पड़ रहे हैं बाकी चीज़ों के लिए तो उसको क्या ही करें बहुत सारे नए नए जो जैसे सुपर विच स्मैश सुपर बोलर स्मैश हो रहे हैं अच्छे से विद द फायरबॉल बट क्या कर सकते हैं हम कुछ कर नहीं सकते हमारे पास है ही नहीं इतने से उसके हमसे और फायरबॉल का साथ एक बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है अगर फायरबॉल आपका मैक्स नहीं है मतलब मैक्स के आसपास नहीं है तो वो यूजलेस है अगर आप उसको बारह चौदह लेवल तक अपग्रेड भी करते हो ना तो इतना ज़्यादा कोई है नहीं उसमें पावर तो फिर क्योंकि टाउन ऑफ सिक्सटीन की जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है येस yes, अगर आप टाउन इलेवन टवेल्व के प्लेयर हो अगर आप चौदह पंद्रह कर रहे हो तो वो ठीक है आप लोगों के लिए टाउन इलेवन टवेल्थ थर्टी के लिए बट फिफ्टीन सिक्सटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका फायरबॉल जो है वो नियर टू नियर मैक्स जो है वो होगा तभी आपका कुछ काम आएगा वरना यूजलेस है तो दैट्स दैट्स द थिंग ठीक है ओके तो चलिए अभी अब अटैक करेंगे अब देखो एक बिल्डर जो है मेरा कल फ्री हो जाएगा उसके अलावा कोई बिल्डर फ्री नहीं है क्लैंग गेम्स भी आ रहे हैं अगर आपको नहीं पता क्या क्या रिवॉर्ड्स है तो मैं भी स्क्रीन में दिखा दूंगा आप चेकआउट कर सकते हो बुक ऑफ हीरो मेरा जो है वो मिलने के बाद मेरा किंग मैक्स हो जाएगा नाइन्टी पे है किंग एक बुक ऑफ हीरो से और दूसरा जो है मैं हैमर उठाऊंगा तो मान के चलो अभी दस दस दिन क्योंकि क्लैंग गेम्स आएंगे फिर हम कंप्लीट करेंगे फिर रिवॉर्ड्स मिलने मिलने तक अभी आठ दस दिन लग जाएंगे और तब तक मेरा हैमर भी अवेलेबल हो जाएगा तो सी डब्ल्यू एल से पहले तक मेरे सारे हीरोज जो है वो मैक्स हो चुके होंगे सो so, वो एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए आ, बीच में कभी अपडेट भी आने ही वाला होगा मुझे लग रहा है क्योंकि जैसा हाल चल रहा है तो बैलेंस अपडेट जो मुझे दूर नहीं दिख रहा ओके सो अटैक करते हैं पहला अटैक हमने ट्रिपल निकाला पहला डिफेंस हमारा ट्रिपल गया जो सीन हो रहा है अभी लेजेंड्स में वही हो रहा है हमारे साथ कुछ अलग नहीं है तो लेट्स गो देखते हैं अटैक करते हैं देखते हैं बेस कैसा मिलता है ओ भाई हम्म हम्म मैं ये बड़ा यूनिक सा बेस मिला है ऐसा बेस तो बहुत टाइम से मैंने टैक नहीं किया कहाँ से करना है क्या करना है बॉटम hmm, साइड पे ओके फ्लेम फिंगर वैल्यू है एक काम करता हूँ सबसे पहले दो लून यहाँ फ्लेम फिंगर यहाँ बढ़िया आ, ट्रैप्स चेक कर ले कोई ट्रैप्स वगैरह है तो नहीं है दैट्स फाइन न यहाँ पे भी एक एक यहाँ वॉल ब्रेक वहाँ पे टेस्ला फार्म यस एक्सपेक्ट कर ही रहा था मैं आ, क्वीन हीलर्स अरे 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 दीदी दी 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 ये क्या कर दिया था मैंने ओके okay, एक रेज अर्ली ओ भाई बहुत ज़्यादा डैमेज था ओके okay, चलो एक लून और यहाँ पे भाई थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन बन गई थी मेरे लिए बट चलो अब अब हम ठीक है मेरा फ्लेम फिंगर ठीक कर रहा है यस फ्लेम फिंगर वैल्यू अच्छी है वैसे बॉटम साइड पर नाइस ओके तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे देखते हैं क्वीन किस डेक्शन में जाती है आ, जिस डरेक्शन में जाएगी उस उससे हम बाकी का जो है वो अपना पाथ क्रिएट करेंगे क्वीन अभी फ़िलहाल इस साइड जा रही है अभी कोई लूस ओके फाइन उसी साइड जाएगी तो मैं बेबी ड्रैगन साइड यूज कर लेता अरे यार कैसे एक्सपेक्ट किया मैंने कि क्वीन उसी साइड जाएगी अच्छा हुआ कि मैंने अरे एक के बाद एक रेड माइंस लग रहे हैं ओ भाई क्या हो रहा है आई थिंक मुझे वार्डन चाहिए अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं यहाँ पे आ जाओ किंग आ जाओ यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओवर ग्रोथ करते हैं ताकि इस साइड से एक अच्छा एंकर पॉइंट मिले परफेक्ट बढ़िया एडहटर्स एबिलिटी अरे यार एक के बाद एक लून्स जो है हमारे ख़त्म हो रहे हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बट वी आर गोइंग फ़ाइन गोइंग फाइन यहाँ पे एक अब किसी भी वक्त हमारा ओवर ग्रोथ जाने वाला होगा तो उससे पहले हम यहाँ पे फ्रीज कर लेते हैं कम ऑन मोनोलिथ को टारगेट करो स्पेल टार जाने से पहले कम ऑन लास्ट शॉट यस परफेक्ट इन क्वीन एबिलिटी आ जाएगी एक और रेज आ जाएगा यहाँ पे वन टू थ्री वन वन नाइस टाइम इशू ना हो जाए ओके okay. समझ नहीं आ रहा क्या करूं आरसी 22 सेकंड्स मुझे लग नहीं रहा कि ये हो पाएगा टाइम उसके साथ पॉइजन जो है उसकी वजह से सारे ट्रूप्स वहाँ पे मर रहे हैं यहाँ पे इसको यार आई थिंक ओवरग्रोथ मैंने गलत ड्रॉप किया होगा डोंट नो यार ये बेस थोड़ा सा मुझे पहले लग रहा था कि टाइम इशू होगा ऐसा रिंग टाइप का बेस में टाइम फेल होने का बहुत डर होता है बट चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट अटैक में जाएंगे ये वाला अटैक तो हमारा ठीक से गया नहीं ओवर ग्रोथ वैसे मैं अभी भी इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मतलब कभी कभी किसी किसी अटैक में अच्छे से यूज़ होता है मतलब डिपेंडिंग ऑन द बेस और किसी मुझे लगता है इस बार मैंने ओवर ग्रोथ जो है वो ठीक से यूज़ नहीं किया थोड़ा सा डिले कर सकता था या फिर आई थिंक मुझे टाउन हॉल को छोड़कर ओवर ग्रोथ करना चाहिए था सो आर बैक अगेन सीसी नहीं मिला तो मुझे मेडल से उठा लिया यार सीसी का थोड़ा सा इशू हो रहा है क्योंकि मैंने आ, सिर्फ ये अकाउंट से मैं इस अकाउंट क्लाइन में ज्वाइन किया हूँ बाकी मेरे अकाउंट्स वहीं पर है लेट्स uh, गो चलते हैं फटाफट देखते हैं इस बार कैसा बेस मिलता है ओके ओके हम्म फाइन लेट्स गो एक एक दो क्वीन आ जाएगी अपनी यहाँ पे hmm, बढ़िया यहाँ पे एक वॉल ब्रेक करेंगे यहाँ पे इसको ये एंड लेट्स गो विद हीलर्स फाइन ओके ना वन टू वन क्वीन ओके क्वीन इज फाइन ओके okay, नाउ मारस तीज बैरक आ जाएगा यहाँ पे अरे यार ये मॉनल इतना मारना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है फिर ओके फाइन यहाँ से ये 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 जी 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 दिस एक और वॉल ब्रेक यहां परफेक्ट लेट्स गो विद एबिलिटी यार ये रुकने का नाम ही नहीं लेता भाई दिस नाउ वी आर गोइंग गुड फाइन 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 नाइस ओकेज द सिंगल अरे यार थोड़ा सा पहले करना चाहिए था गलती हो गई वाह वाह गलती हो गई ओके आर सी एब्लिटी कमॉन टाउन हॉल से बहुत दूर है हम एक फ्रीज है हमारे पास गुड थिंग कोई बात नहीं अभी क्लीन अप ड्रॉप नहीं कर सकते फ्रीज दिस कम ऑन क्वीन कमानस कम ऑन लून्स एटलीस्ट बिथ डैमेज से भी काम होगा ओके गो परफेक्ट दो ये ये अ ये 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 किंग एबिलिटी अरे वहां पे एक बिल्डिंग बच no, गया है नो नाइनटीन सेकेंड्स गया अब नहीं हो पाएगा किंग जो है वो अब ट्रैप में बिजी है दस सेकेंड्स क्वीन वॉल ब्रेक कर रही है और no, यार प्लीज ओफ oh. क्या ही बोले भाई क्या ही बोले मतलब यहीं से आए सब पर फिर भी स्टोरेज मिस कर दिया आ, इट। तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डिफेंस लिया तो उसमें माइनस ट्वेंटी नाइन गए अच्छा है कि एक और ट्रिपल नहीं मैंने कंसीड किया बट लेट्स गो नेक्स्ट अटैक पर चलते हैं और देखते हैं क्या हम इस बार ट्रिपल मार पाते हैं या दो दो अटैक्स हमने इतने अच्छे मिस कर दिए बट uh, कोई ना ओके hmm. अच्छा okay. ये वाले बेस इसमें क्या करना है ओके ये करते हैं कि यहाँ पे फीन आ जाएगी इस बार ना फ्लेम फ्लिंगर के साथ जाते हैं इस साइड से वॉल ब्रेक ये दोनों क्लियर हीलर्स अरे क्वीन उस सब मजा क्वीन ओके तो थोड़ी सी पोपट हो चुकी है गाइज बट इतना बड़ा कोई इशू नहीं है अगर ये वाला कंपार्टमेंट हम ओपन कर पाते हैं कम कम येस तो अभी भी बात बन सकती है अभी मामला जो है वो हाथ से निकला नहीं है ओके अब मामला हाथ से निकलने वाला है मुझे लग रहा है आई थिंक मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ओके ठीक है अब टाउन हॉल एक्टिवेट होगा नहीं हुआ वाओ बच गए भाई अब होगा बट ठीक है कोई टेंशन नहीं वार्डन आर सी विजड 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 वॉल ब्रेक यहाँ से यहाँ पे लूनस अपने ओके फाइन फाइन इसको करेंगे फ्रीज गोइंग गुड एक्चुअली गोइंग परफेक्ट नाइस बढ़िया नाइस nice. नोइस nice. बस टाइम का टेंशन हो रहा है मुझे थोड़ा सा सो so, करेंगे फ्रीज हेड हंटर्स आ जाएंगे हमारे यहाँ से यस yes. टाइम फिर से आ, ना बट ऐसा क्यों हो रहा है मतलब अब तक तो टाइम इशू कभी नहीं हो रहा था अचानक से टाइम इशूज क्यों होने शुरू हो गए आई डोंट नो मुझे हॉक्स ये बैकअप कम ऑन जल्दी बट कुछ भी कर लूँ मैं ये तो हो नहीं पाएगा पीनेबिलिटी भी पड़ी है हमारे पास बट अनफॉर्चुनेटली टाइम जो है वो कुछ ज़्यादा ही चला गया मैंने पहले क्वीन में बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया बट यार फिर भी मतलब इतने टाइम से मैं खेल रहा हूँ ये क्वीन चार्ज रूट राइडर्स बट मुझे टाइम इशू नहीं हो रहा था मेरी आर्मी मर जा रही थी वो अलग बात है बट हम टाइम इशू से नहीं फंस रहे थे ये ये कल से हो रहा है मेरे साथ पता है मैं आपको दिखाता हूँ कल भी ऐसा मेरे साथ हुआ जब से मैंने ओवर शुरू किया ना तब से ये सीन हो रहा है मेरे साथ कि टाइम फेल्स बहुत हो रहा है मेरे को लगता है ओर मुझे स्विच करना पड़ेगा फिर से आ, अगर आप देखोगे कल तो ये देखो कल हम माइनस थर्टी में रहे यार टू फिफ्टी फाइव हुआ हमारा देखो कल सीन क्या हुआ नाइन्टी फाइव एक नाइन्टी फाइव दो हुए यहाँ पे टाइम फेल फिर एक सेवेंटी थ्री फिर यहाँ पे देखो तीन लगातार नाइन्टी फोर नाइन्टी फोर नाइनटी फोर तो मुझे लग रहा है कि ये ओवरग्रोथ जो है वो थोड़ा सा इशू हो रहा है उसको स्विच करूँ बट जब अच्छा जाता है ना तो इतना अच्छा जाता है कि फिर लगता है कि नहीं कोई इशू नहीं है पता नहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा और इसको प्रैक्टिस करता हूँ देखता हूँ अगर इसको मैं ठीक से यूज़ कर पाता हूँ यू नहीं कर पाता हूँ एटलीस्ट एक दो दिन और देता हूँ अगर सब कुछ सही रहा तो उसको और कंटिन्यू करेंगे अगर देखूंगा कि ये प्रॉब्लम मतलब चल रही है कंटिन्यू तो फिर मैं उसको स्विच करने का सोचूंगा बट आज के लिए इतना ही आई होप अपने वीडियो एंजॉय करा प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में चैनल एज ऑलवेज गाइज चहन बाय